है गाइस कैसे हैं दोस्तों। मैं आपको जो यहाँ पे न्यू फोन का सेटिंग बताने वाला हूँ, यानी आपको कुछ जबरदस्त सेटिंग जो रहता है जो इम्पोर्टेंट रहता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं वन प्लस फोन है, तो इसी वन प्लस फोन का मैं आपको यहाँ पे सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप भी लिए हैं एक वन प्लस डिवाइस, तो उसका कुछ न्यू डिवाइस में कुछ सेटिंग करना होता है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो कंपनी की तरफ से उसमें कुछ सेटिंग रहता है। सो आपको क्या करना है, उस सेटिंग को हटा के आप अपना खुद का सेटिंग को ऐड करना है और आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, सो सिर्फ वन प्लस जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं, फिलहाल तो वन प्लस का ही बताने वाला हूं, लेकिन वो सेटिंग आप अगर जितने भी न्यू डिवाइस लिए हैं या फिर आपके पास पहले से भी डिवाइस है, सबके लिए ये सेटिंग है। सो आपको ये सेटिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने हिसाब से डिवाइस को यूज करना चाहते हैं तो। सो चलिए वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो को जरूर देखना अगर आप कुछ न्यू चीज सीखना चाहते हैं। सो इस वीडियो पे वही चीज आपको बताने वाला हूं। फोन से रिलेटेड काफी सारे और भी एक दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जैसे कि आईडी कैसे बनाएं, जिमिनार अकाउंट कैसे क्रिएट करें, ये सारा चीज मैं जो है वन प्लस फोन का बता चुका हूं। ओके, सो आने वाले टाइम में भी आपको काफी अच्छे अच्छे वीडियोस जो है मिलेंगे इसी डिवाइस से रिलेटेड। सो आपको क्या करना है, अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियोस के नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब वाला बटन है वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इससे ये होंगे कि जितने सारे वीडियोस आएंगे फोन से रिलेटेड सभी वीडियोस का आप देखेंगे एंड काफी सारे सेटिंग को आप बिल्कुल फ्री में एंड अच्छे अच्छे हाइडन सेटिंग फीचर्स आप पूरा जो है सीखने को मिलेगा। सो चलिए फिलहाल इस चीज को पहले सीख लेते हैं। सो गाइस देखो, मैं यहाँ पे जो है जो भी आपको जो है चीज़ बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो वीडियोस को इसलिए पूरा जरूर देखना, अगर आप न्यू फोन लिए हैं तो पूरा ये सेटिंग करना आप सीख जाओगे। सो अलग अलग जो है पार्ट्स में लाते रहूंगा, सो कुछ जो है इसमें बता दूंगा और उसके बाद आने वाला टाइम में भी जो है कुछ सेटिंग आपको बताते रहूंगा, क्योंकि एक ही वीडियोज़ में सारा सेटिंग कवर नहीं होगा। इससे पहले भी दो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पर, जिसको देखना मत भूलना, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है आपके लिए अगर आप न्यू वन प्लस फोन लिए हैं तो। सो यहाँ पर हम जान लेते हैं फर्स्ट सेटिंग। फर्स्ट सेटिंग के बारे में क्या जानते हैं, अगर आप फोन जो है यहाँ पे जो है परचेज करके लेके आ जाते हैं और उसके बाद आईडी वीडियो बनाने का होता है, तो वो पहले मैं बता चुका हूँ, वो सब देख लेना वीडियोस। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर वाला बटन जो है, पावर वाला बटन आपको साइड में देखने को मिलेगा। अगर आप जो है फोन को ऑफ करना चाहोगे तो यहाँ से ऑफ ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैं पावर वाला बटन अभी प्रेस करके रखा हूँ और कुछ और आ रहा है यहाँ पे, यानी कि अगर आप जो है रिमोट या फिर स्विच ऑफ करना चाहोगे तो यहाँ से आप कर ही नहीं सकते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे शो भी नहीं होगा, क्योंकि पावर वाला बटन जो रहता है वही रहता है स्विच ऑफ ऑन करने का। सो यहाँ से आपको बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, जैसे आप जो न्यू जो ऑन करोगे सो वहाँ से उसके बाद देखिए ऑफ ही नहीं कर पाओगे। सो आप ऑफ कैसे कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको आना है, सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग आपको ढूंढ लेना कहाँ पे है, या देख सकते हैं, सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है पावर बटन। पावर बटन आप जैसे ही सर्च करोगे इस तरह से आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पावर बटन, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह से आएंगे, सो यहाँ पे देखते हैं जो लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और आपके सामने इस तरह से आएंगे। सो यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है वॉइस असिस्टेंट। तो पावर वाला बटन अगर आप जो है यहाँ पे प्रेस करके रखोगे तो इस तरह से कुछ आ जाएंगे। सो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर मेनू पे आपको देखने को मिल रहा है, इसे आपको टिक कर लेना। जैसे आप इस पे टिक कर दोगे उसके बाद आप जो है पावर वाला बटन जो आप क्लिक करोगे सो बस आपके सामने आ गया है। आप देख सकते हैं पावर बटन को आप यहाँ से जो है डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल भी यहीं से कर सकते हैं। ये एक न्यू फीचर्स है इस पे। सो इस तरह करके आप जो है सेट कर सकते हैं। अब जब भी ऑफ करना चाहोगे सो यहीं से आप जो है ऑफ कर सकते हैं। पावर वाला बटन आप क्लिक करो, आपके सामने आ चुका है, पहले ये नहीं था। अब यहाँ पे स्टेप टू के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेप टू में दोस्तों क्या आप सीखेंगे कि यहाँ पे जो बैक जो करते हैं सो यहाँ पे स्लाइड करके आपको आना है, तब आपको जो है बैक करना होता है। जैसे यहाँ पे आ गया, समय इस तरह से करूँगा तब उसके बाद जो बैक होगा, क्योंकि नीचे वाला बटन जो है देख सकते हैं गायब है, यहाँ पे शो भी नहीं है। सो अगर आप जो है इस तरह से यूज़ करना नहीं चाहते हैं जो ऑलरेडी फीचर्स दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बटन सेट हो जो यूज़ करने में काफ़ी आसान तरीका हो, सो बटन रहने से काफ़ी ईजी रहता है यूज़ करना। सो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको आना है सेटिंग पे। सेटिंग को आपको यहाँ पे निकाल लेना है, इस तरह करके आ जाना है, सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है और सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आएंगे। सो यहाँ पे आपको जो है सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है बटन। जैसे आप जो यहाँ पे सर्च कर लोगे, इस तरह करके बटन आप सर्च करोगे, बस आपके सामने आ जाएंगे काफ़ी सारे चीज़ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। सो सबका अलग अलग सेटिंग है, सो आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। सो यहाँ पे पावर वाला बटन से आपको देखने को आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं इस पर गेस्चर लिखा हुआ है, इसी पर आपका जो है टिक लगा हुआ है, यानी इसी तरह से आप जो है बैक कर सकते हैं। बट यहाँ पे बटन दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है। इस तरह से जैसे टिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। दोनों ऑप्शन में क्या क्या आ रहे हैं,
जो है इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ये बटन कुछ इस तरह से हैं। अगर आप इसे जो है इस तरफ करना चाहते हैं, इसको इस तरफ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे वाला बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं तो यही रखूँगा क्योंकि इसी तरह यूज़ करने में ईजी रहता है। सो इस तरह से आप जो है बटन भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे यहाँ पे देख लेंगे, इस नेक्स्ट नंबर पे ये है क्या, ये है जो कैमरा। आप जैसे ही कैमरा को आप जो है ओपन करोगे, इस तरह से आपको शो अप हो जाएंगे, यानी जो है फुल यहाँ पे देख सकते हैं, फुल फोटोज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। सो इसी तरह जो है कैमरा का हाफ डे यहाँ पे आपको जो है शो ऑफ हो रहा है, सिर्फ हाफ फ्रेम, यानी वीडियोज़ भी लोगे या फिर फोटोज़ भी लोगे, सेल्फी लो या फिर बैक साइड से लो, तो सबका जो है एक ही जो यहाँ पे जो है साइज आने वाला है। इसी तरह जब न्यू फोन लेते हैं तो इसी तरह रहते हैं। सो अब आपको क्या करना है, इसे जो है फुल डिस्प्ले करना है। फुल डिस्प्ले का फोटो पे कुछ और ही मजा आ जाता है। सो आपको क्या करना है, फुल डिस्प्ले करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, बस थ्री लाइन पे आपको ऊपर की थ्री डॉट आपको दिख रहा है, बस इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फ्रेम जो है देखने को मिलेंगे, आपको जो है यहाँ पे 1.1 रेशियो पे आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो है 4.3 रेशियो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 16.9 रेशियो, ये भी आपको जो है अच्छे खासे यहाँ पे जो है डिस्प्ले का साइज जो है देखने को मिल रहा होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है फुल साइज, बस इसी फुल साइज पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो है बटन उटन यहाँ पे आपको देखने को आ रहा है, पूरा में फोटोज आ रहा है। इस तरह करके आपको देखना है, देख सकते हैं पूरा डिस्प्ले में जो है कैमरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, अब जो है फ्रंट वाला कैमरा ऑन करो या फिर बैक साइड वाला कैमरा ऑन करो, फोटोज लो या फिर वीडियोज लो, दोनों का सेम टू सेम यहाँ पे होने वाला है। सो इसी तरह से आप जो है कैमरा का जो फ्रेम है उसके साइज को आप इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, उसका फ्रेम को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे सीखेंगे कि फ़ोन का जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे जो है बैक वॉलपेपर है यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कैसे चेंज करें। सो आपको डिस्प्ले पे ही आपको फिंगर से जो है क्लिक करके रखना है एक दो सेकंड के लिए। इस तरह से आएंगे, सो यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिल रहा है, वॉलपेपर पे आपको टिक करना है। इस तरह से आएंगे न्यू फोन में, सो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से आएंगे, अलाउ पे आपको क्लिक कर लेना है, बस आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ से जो भी जो है वॉलपेपर आप सेट करना चाहते हैं, बस उस पर आपको टिक कर देना है। इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज के आपको जो है बिल्कुल फ्री में, आपको डाउनलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं, आपके डिवाइस में ही है, आपको सिर्फ निकालना आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको जो है इस जो है चैनल पे फोन से रिलेटेड इंस्टा फेसबुक ये सब रिलेटेड हर कुछ बिल्कुल फ्री में आपको सिखा रहा हूँ। सो आपको अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए आने वाले वीडियोस के लिए भी, ओके। सो यहाँ से जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लगे उस पर आपको इस तरह से आना है, टिक कर देना है। इस तरह आने के बाद यहाँ पे अप्लाई जो आपको देखने को मिलेंगे, बस इसी अप्लाई वाला बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ये क्लिक करोगे, ये बस आपके जो है यहाँ पे फोन पे सेट हो जाएंगे। सो दो ऑप्शन आएंगे, फोन के लॉक पे या फिर जो है होम पेज पे। सो दोनों ऑप्शन में जो भी आपको सेट करना है उस पर आपको टिक कर देना है, बस हो गया। सो यहाँ से आप जो है अपने जो है फोन के वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करने वाले हैं कि फ़ोन का जो यहाँ पे जो फ़ोन पे आप जो है एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, इसका लोगो के बारे में अब जो है डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे ही आपको फिंगर से इस तरह करके प्रेस करके रखना है, आपके सामने इस तरह से नीचे में एक मेन्यू बार आ जाएंगे। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा आइकन, बस इसी आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से आपको शो ऑफ हो जाएंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं साइज जो है इतना छोटा या फिर इतना बड़ा आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है साइज जो है एप्लीकेशन का जो है लार्ज हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। इस तरह से आप भी जो है अपने साइज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है शो एप्स नेम, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन है उसके साथ नेम भी है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि नाम शो अप करे, सो यहाँ पे आपको इसे अनटिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आपको शो अप नहीं हो रहा है, सो नहीं हो रहा है। सो इसी तरह से आप भी अगर आप एप्लीकेशन का नाम शो नहीं कराना चाहते हैं, इस तरह से टिक कर देना है। अगर आपके पास शो नहीं हो रहा है सो इससे आपको टिक कर देना है, बस शो अप हो जाएंगे। सो और यहाँ पे है ऐप नेम, यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज भी जो है नेम जो है एप्लीकेशन का वो साइज आप जो है यहाँ से लार्ज एंड स्मॉल आप कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसी तरह से आप भी जो है इस तरह से टिक करने के बाद जो भी आप अच्छा लगे वो सेटिंग करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक कर लेते हैं बस ये अप्लाई हो जाएंगे और आप जिस तरह से कस्टमाइज करोगे उसी तरह से आपके डिवाइस में रहने लगेंगे।
सो गाइस अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट सेटिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट है इस वीडियोस में, इतना ही था ओके। सो नेक्स्ट जो है क्या है, जो आपको टाइम सेट करना होता है। अब अगर देखोगे न्यू डिवाइस पे सो देख सकते हैं डेट टाइम जो है अलग अलग रहता है। सो इसे आपको खुद से जो है सेट करना होता है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग पे आ जाना है। इस तरह करके सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। इस क्लिक करोगे यहाँ पे आएंगे, इस पर आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइम टाइम सर्च भी कर सकते हैं, जो भी स्पेलिंग दे रहा हूँ, या फिर नीचे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे टाइम सेट करने का काफ़ी अलग अलग तरीके आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको देखने को मिल रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। या फिर आप जो है यहाँ पे टाइम जोन है, इस पर भी आपको क्लिक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे आ जाओगे इस तरह से शो अप लेंगे। सो आपको 24 आवर्स फॉर्मेट आपको दिख रहा है, बस इसी पर आपको अनटिक कर देना है। इसे अनटिक कर दिए, उसके बाद जो है मेन जो टाइम है ऊपर की ओर आपको देखने को आ जा रहा है, और टाइम जो है सेट हो जाएगा। एंड डेट और हर कुछ जो है ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। अगर आप सेट टाइम ऑटोमेटिकली इस तरह करके रखें, अगर आप इसे अनटिक करके रखेंगे सो कभी जो है बिगड़ उखड़ सकता है, इधर उधर हो सकता है। सो आपको इस पर आपको टिक करके रखना है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, यानी हर टाइम जो है ऑटोमेटिकली टाइम जो है सेट हो जाएगा। आपको सेट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ऑप्शन कर देना है ऑन ओके। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो। सो ये कुछ सेटिंग था जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास था न्यू फोन पे सेट करना। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है इससे बेहतर आने वाला है वो भी, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ हिडन फीचर्स, कुछ आपको अलग जान। सो गाइस आई होप कि वीडियोस काफी हेल्पफुल लगा हो। सो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी आने वाले वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो। सो ये वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे नेक्स्ट डे।